लोकसभा चुनाव 2019 का रण, जी हां, देश में चुनाव का चौथा चरण और प्रदेश में चुनाव का पहला चरण। पहले चरण की 13 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट पड़ेंगे। प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है। आपको बता दें कि अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ बारा में चुनाव होना है कल। जोधपुर सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बताई जा रही है, जहां पर सीएम पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी हैं और उनका मुकाबला भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत से मुकाबला होने वाला है। आपको बता दें कि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण बता रहे हैं आपको, जहां पर जोधपुर सीट सबसे हॉट बताई जा रही है। कांग्रेस के वैभव गहलोत का मुकाबला गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी से है उनसे होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं वैभव गहलोत, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इसी के मद्देनजर ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां भी करते दिखे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों की अपनी लोकप्रियता बताई जा रही है और ऐसे में कुछ भी कह पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन दोनों ने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, रैलियां की, रोड शो किया वैभव गहलोत के समर्थन में। जोधपुर सीट लोकसभा चुनाव 2019 की राजस्थान के मद्देनजर सबसे हॉट सीट बताई जा रही है। लगातार समर्थकों और कार्यकर्ताओं द्वारा मांग की जा रही थी वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में उतारने की और इस बार पहली बार जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं वैभव गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं उनके समर्थन में, चुनाव प्रचार भी बहुत तेज किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और उनका मुकाबला बीजेपी के गजेंद्र सिंह से। और वहीं अजमेर की बात करें तो बीजेपी से भागीरथ चौधरी यहां पर मैदान में है, युवा चेहरे हैं और अनुभव मुकाबला अनुभव में है। अजमेर में रिजु झुंझुनवाला कांग्रेस प्रत्याशी हैं। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल बता रहे हैं आपको, जिसमें बीजेपी से भागीरथ चौधरी का मुकाबला रिजु झुंझुनवाला से होने वाला है। दोनों ही युवा चेहरे हैं और अनुभव का मुकाबला यहां पर होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2019 का रण कल 29 अप्रैल यानी कि सोमवार को 13 सीटों पर मतदान होना है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से रिजु झुंझुनवाला कांग्रेस प्रत्याशी हैं और इनका मुकाबला है बीजेपी से भागीरथ चौधरी से। दोनों ही युवा चेहरे और अनुभवों का यह मुकाबला कल देखने को मिलेगा। अजमेर से रिजु झुंझुनवाला कांग्रेस प्रत्याशी, लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल आपको बता रहे हैं, कल 13 सीटों पर मतदान होना है। अजमेर की बात करें जहां दोनों ही युवा चेहरे हैं और अनुभवों का यह मुकाबला कल देखने को मिलेगा, रिजु झुंझुनवाला कांग्रेस प्रत्याशी अजमेर से और बीजेपी से भागीरथ चौधरी, कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। अजमेर में युवा चेहरों के बीच मुकाबला कल देखने को मिलेगा, कांग्रेस से रिजु झुंझुनवाला और बीजेपी से भागीरथ चौधरी मैदान में। दोनों के बीच रोचक मुकाबला, युवा चेहरे दोनों, अनुभवों का यह मुकाबला कल देखने को मिलेगा 29 अप्रैल यानी कि सोमवार को। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट, दिलचस्प है दोनों प्रत्याशियों का यहां पर मुकाबला। कांग्रेस से नमो नारायण मीणा यहां पर प्रत्याशी हैं तो वहीं बीजेपी से सुखवीर सिंह जौनपुरिया चुनावी मैदान में हैं। पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद में ये बेहद रोचक टक्कर, मीणा और गुर्जर में है कड़ी टक्कर। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल आपको बता रहे टोंक सवाई माधोपुर संसदीय सीट की यहां पर हम बात कर रहे हैं। दिलचस्प दोनों प्रत्याशियों का मुकाबला, पूर्व और मौजूदा सांसद में मुकाबला, नमो नारायण मीणा और सुखबीर सिंह जौनपुरिया में ये मुकाबला। टोंक सवाई माधोपुर सीट की बात कर रहे हैं, रोचक मुकाबला कल देखने वाला होगा। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। टोंक सवाई माधोपुर सीट से नमो नारायण मीणा का मुकाबला सुखवीर सिंह जौनपुरिया से होना है। कांग्रेस से नमो नारायण मीणा और बीजेपी से सुखवीर सिंह जौनपुरिया, रोचक मुकाबला। अब पाली संसदीय सीट का मुकाबला आपको बताते हैं, 2014 के प्रत्याशियों में ये बेहद रोचक टक्कर यहां पर देखी जा रही है। कांग्रेस से बद्रीराम जाखड़ प्रत्याशी हैं तो वहीं पीपी चौधरी बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं।
पाली भी एक रोचक सीट यहां पर मानी जा रही है। बद्रीराम जाखड़ का मुकाबला पीपी चौधरी से होना है। कल 13 लोकसभा सीटों में पाली भी शामिल है। रोचक मुकाबला। आपको बताते हैं बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट बता रहे हैं आपको, जहां पर मानवेंद्र सिंह कांग्रेस से और कैलाश चौधरी बीजेपी से इनका मुकाबला बेहद रोचक होने जा रहा है। कल कांग्रेस से मानवेंद्र सिंह मैदान में है, तो वहीं बीजेपी ने कैलाश चौधरी पर भरोसा जताया है। बाड़मेर जैसलमेर का यह मुकाबला आपको बता रहे हैं, मानवेंद्र सिंह का मुकाबला। जालोर संसदीय सीट का मुकाबला अब आपको बता देते हैं, कांग्रेस के रतन देवासी मैदान में है यहां से, और भाजपा के देवजी पटेल में ये बेहद रोचक टक्कर। रतन देवासी और देवजी पटेल में टक्कर जालोर सीट से। जालोर सिरोही सीट की बात कर रहे हैं, इसके बाद उदयपुर संसदीय सीट की आपको टक्कर बता देते हैं। प्रत्याशियों में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। बीजेपी से अर्जुनलाल मीणा मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस से रघुवीर मीणा मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। उदयपुर सीट की बात कर रहे हैं जहां, और अब बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी त्रिकोणीय मुकाबला बीटीपी कांग्रेस और भाजपा में यहां पर कड़ी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस से ताराचंद भागोरा यहां के प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी से मानशंकर यहां के प्रत्याशी हैं। मानशंकर निनामा यहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और उनका मुकाबला कांग्रेस के ताराचंद भगोरा से होने वाला है। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट की बात करते हैं, वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद यहां पर आमने सामने हैं। भाजपा के सीपी जोशी वर्तमान सांसद हैं, यहां से भाजपा से मैदान में हैं, और कांग्रेस से गोपाल सिंह इडवा प्रत्याशी हैं। चित्तौड़गढ़ संसदीय सीट की बात कर रहे हैं, जहां पर सीपी जोशी का मुकाबला गोपाल सिंह इडवा से होना है। आपको बता दें कि कल